हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 का हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देखेंगे। इसमें जो हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पीपर पात सरिस मंडोला में वाचक शब्द क्या है? सरिस। क्या है? सरिस। अगला प्रश्न, कुमार गंधर्व ने संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी तो पंडित बी आर देवधर से, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे क्या कहते हैं? साधारण वाक्य कहते हैं। सूरदास जी को कितने वर्षों तक जीवित रहे? तो 104 वर्षों तक। अमरकंटक से भेड़ाघाट की दूरी नर्मदा नदी में कितने मील में तय की? 165 मील में। अगला, रिक्त स्थान है कि पूर्ति करना है। पुराणों में उज्जैन नगर का उल्लेख मिलता है। शुंगों के बाद दक्षिण से आए थे, कौन आए थे बताना है। प्रार्थना की पुकार है, विश्व की पुकार है। गांधी जी ने गीता अंग्रेज मित्र को पढ़ाई और उससे क्या पढ़ी थी ये बताना। अपहरण शब्द का विलोम शब्द पूर्वान है। बिरसा मुंडा ने किस उद्देश्य से अपना आंदोलन प्रारंभ किया ये बताना है। आर्यभट्ट को प्राचीन भारतीय विज्ञान का सबसे चमकीला सितारा क्यों कहा जाता है ये बताना है। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द कम खाने वाला अल्पाहारी होता है। जो अनुकरण करने योग्य हो, अनुकरणीय, जिसका कभी अंत ना हो, निरांत होता है। सोटा छंद की परिभाषा उदाहरण के साथ लिखना है। ये हमारा पांचवा प्रश्न है, इसे देख लेंगे। छठवें में लेखिका ने जब चंद्रा को कार से उतरते देखा तो वो आश्चर्यचकित क्यों रह गई थी। सातवां, समास विग्रह करके समास का नाम लिखना है। प्रतिदिन का, कमल नयन का और राजपुत्र का। संगीत की महिमा अपने शब्दों में व्यक्त करनी है। ये नौवां प्रश्न है हमारा, तो नौवें प्रश्न को देख लेंगे। दसवां प्रश्न है, जाति वालों ने मोहन के विलायत जाने का विरोध क्यों किया था? पाषाण युग को कितने भागों में बांटा जा सकता है ये लिखना है। छायावादी कवियों की त्रिमूर्ति के नाम लिखना है। तो पंत निराला और दिनकर है। सुमित्र नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद निराला और कौन सा है? दिनकर जी है, रामधारी सिंह दिनकर। अपने पिताजी को शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखना है। अथवा मैं अपने मित्र को वृक्षारोपण का महत्व बताते हुए पत्र लिखना है। और ये हमारा दूसरा प्रश्न है, तो निबंध लिखना है इसमें किसी एक विषय पे। तो विज्ञान का चमत्कार, महापुरुष की जीवनी, कंप्यूटर की उपयोगिता, राष्ट्रीय पर्व, तो जो भी हो उसमें हम अपना ये निबंध लिख देंगे, जो भी हमसे आता हो।